एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि साहब काशी राम को अधिकतर जितने भी फोटोग्राफ देखने को मिलेंगे बड़ा साधारण पोशाक में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उन्होंने अपने समाज को हमेशा सूट बूट में देखना पसंद किया, तो उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने और काशीराम साहब बाबा साहब की ही विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। बाबा साहब हमेशा सूट बूट में रहा करते थे और बाबा साहब एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में, पढ़े लिखे विद्वान के रूप में सामने आते हैं। हमेशा 2-3 पेन अपने पास रखते थे, जेब के अंदर सूट बूट में रहते थे, टाई पहनते थे, तो वो अपने समाज को उस रूप में देखना चाहते थे। मान्यवर कांसीराम साहब खुद एक अच्छे सरकारी अधिकारी थे, सरकारी कर्मचारी होने के नाते उनकी अच्छी खासी आर्थिक स्थिति थी और एक पद पे रहने के नाते उनका सम्मान भी था। लेकिन जब वो समाज के अंदर आए, जब आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो उन्हें लगा कि मुझे एक इमेज देनी चाहिए। वो वास्तव में ऐसी इमेज देना चाह रहे थे कि जो भारत के सरकारी कर्मचारी, क्योंकि हमेशा वो सूट में तो मान्यवर कांसीराम साहब कम नजर आए हैं, शर्ट और पैंट में नजर आते हैं। भारत में शर्ट और पैंट जो है आप देख सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हमेशा शर्ट और पैंट पहनते हैं। तो उन्होंने एक अपने इस आभूषण, अपने आप वेशभूषा के सहारे एक मैसेज देने का प्रयास किया कि हमारा जो सामान्य कार्यकर्ता है, जो खासतौर पे सरकारी कर्मचारी है, उसको भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। जो सूट और बूट पहने हुए घूम रहे हैं, उनको पैंट शर्ट पहने हुए घूम रहे हैं, उन्हें भी समाज को पे बैक करना चाहिए। उनके अंदर सामाजिक प्रतिबद्धता आनी चाहिए, उनके मन में ये विचार आना चाहिए कि आप इस जगह पे अगर पहुंचे हैं तो समाज की वजह से पहुंचे हैं और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। माननीय कांसीराम साहब ने हमेशा उस तरह के विचार को बढ़ावा दिया जहाँ पे समाज का मनोबल बढ़ा। अपनी वेशभूषा से भी मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं में एक अजीब सा जोश उनकी बात को सुन के होता था, उनके व्यक्तित्व को देख के होता था। जैसे बहुत बार ये देखने में आता था कि वो अपने जो शर्ट का जो ये कफ है उसको लगाते नहीं थे, खुला रखते थे, हाथ में लंबा सा एक मोटा सा रुमाल रखते थे जिससे पहुँचते थे, तो उनकी वेशभूषा भी जो है वो बहुत प्रभावशाली। रश्मा जी, मैं आपसे एक बात और बहुत अहम है कि कोई ऐसा अनुभव या काशीराम साहब का जो आप सारी जनता के साथ, पब्लिक के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, काशीराम साहब ने भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, और लोकतंत्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बाबा साहब ने बात कही थी, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपने पूरे जीवन को लगाया। 1950 में हमें राइट टू वोट तो मिल गया, एक व्यक्ति एक वोट तो मिल गया, लेकिन एक व्यक्ति एक मूल्य नहीं मिला। मतलब राजनीति में तो हम बराबर हो गए, लेकिन समाज नीति में हमारी स्थिति बराबर की नहीं थी, आर्थिक स्थिति हमारी बराबर नहीं थी, सामाजिक स्थिति हमारी बराबर नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि हमारी राजनीति खो गई थी। माननीय कांसीराम साहब ने अपना पूरा जीवन इस राजनीति को सामाजिक वैधता प्रदान करने के लिए लगाया, जिसका मतलब है कि उन्होंने भारत में सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन लगाया। क्योंकि सिर्फ वोट डालने से बात नहीं बनती है, अगर इस देश के अंदर बहुजन समाज 85% है तो उसको सत्ताशीन होना चाहिए, उसको शासनकर्ता जमात बनना चाहिए। देवफो माननीय कांसीराम साहब ने वास्तव में इस तरीके से लोगों को तैयार किया, इस तरीके से लोगों को समझाया कि वो शासक बन सकते हैं, और उन्होंने शासक बन के दिखाया। जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें की जा सकती हैं, शायद आप फिर कभी मौका देंगे तो मैं इस बात को बताऊंगा आपको। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, उनका जो आइडिया है, खासतौर पे बहुजन कंसेप्ट जो है, वो बहुजन कंसेप्ट एक स्थायी कंसेप्ट है। इसको आप एक बहुजन कंसेप्ट को एक कह सकते हैं कि एक विचारधारा मान सकते हैं आप उसको, इसको एक आप रणनीति मान सकते हैं। ये भारतीय राजनीति का एक स्थायी कार्यक्रम हो सकता है कि भाई आपको हमें, जैसे वो कहा करते थे कि मेरा उद्देश्य भारत में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण नहीं है, बहुजन समाज पार्टी तो मेरे लिए एक माध्यम है, वास्तव में मैं भारत में बहुजन समाज बनाना चाहता हूँ। जिस दिन बहुजन समाज बन जाएगा, उस दिन बहुजन समाज पार्टी तो अपने आप बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 6,743 जातियों के अंदर जो विभेद है, वो एक दूसरे से टूट पड़ी हैं, उनके अंदर जितना भाईचारा बनेगा, वो जितना एक दूसरे के साथ आएंगे, उतना ही वो ताकतवर होंगे। इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे जातिवाद के खिलाफ संघर्ष ना हुआ हो। पिछले 200 साल के अंदर ये देखिए जबरदस्त संघर्ष हुआ, लेकिन उनके बारे में हम कुछ खास जानते नहीं थे। माननीय कांसीराम साहब ने महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज, उत्तर प्रदेश के अंदर अच्युतानंद जी,
पंजाब के अंदर मंगू राम जी, बंगाल के अंदर हीरा चंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, जिनके बारे में अभी भी हमें कुछ खास जानकारी नहीं है, और कर्नाटक के अंदर कृष्णा वडियार, तमिलनाडु के अंदर अयोध्या दास और दूसरे साथी, केरल के अंदर अयंकाली, सो इस तरह आंध्र प्रदेश के अंदर भाग्य रेड्डी वर्मा, पूरे देश के अंदर उन्होंने जगह जगह जो ये महापुरुष थे उनके आंदोलन का अध्ययन किया, और उस आंदोलन के अध्ययन करने के बाद अपनी एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई। वास्तव में बहुजन आंदोलन को उन्होंने राष्ट्रीय फलक पे स्थापित कर दिया। वो कहा करते थे कि देश के अंदर ऐसे कम से कम 100 महापुरुष हैं, 100 नायक नायिकाएं हैं जिन्होंने पिछले 200 साल में बहुजन आंदोलन को चलाया है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दूं। माननीय कांशीराम साहब ने वास्तव में अपने जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वो जैसे उत्तर प्रदेश में कहा करते थे कि लोग कहते हैं कि भाई कांशीराम आए हैं और ये बाबा लेके आए हैं, एक दो टोपी वाले, दो पगड़ी वाले बाबा हैं और एक सूट वाले बाबा हैं, दो बाबा बताया करते साहू जी महाराज और ज्योतिबा फूले के बारे में और बाबा साहब के बारे में। तो पूरे देश में उन्होंने पेरियार साहब को स्थापित कर दिया, पूरे देश में उन्होंने अयोध्या दास को स्थापित कर दिया, पूरे देश के अंदर उन्होंने अयंकाली को स्थापित कर दिया, नाराणा गुरु को उन्होंने स्थापित कर दिया, बिरसा मुंडा को उन्होंने स्थापित कर दिया। तो अब सब एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं और आप आज देख रहे हैं कि बहुजन आंदोलन, बहुजन समाज जो है वो जुड़ रहा है, बहुजन समाज बन रहा है। माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन इसीलिए बहुजन समाज दिवस है कि हम जुड़ रहे हैं। वो कहा करते थे कि जिस दिन 1000 जातियां जुड़ जाएंगी उस दिन ब्राह्मीणवाद कांपने लगेगा। वास्तव में पूरे देश के अंदर अब हमें खुशी है कि कम से कम 2500 जातियां इस आंदोलन से ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं और वो अब अपने यहाँ पे रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना शुरू कर चुकी है। मैं रीवा का आपको उदाहरण बताता हूँ। रीवा में एक जबरदस्त, क्योंकि इलाहाबाद में जब 87 में उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में कांशीराम साहब ने पूरे देश के अंदर एक जबरदस्त लहर पैदा की, क्रांतिकारी बहुजन लहर पैदा की, वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। तो रीवा भी वहीं उसके आसपास का एक बेल्ट है, तो मैं अपने एक रिसर्च के संदर्भ में रीवा में गया हुआ था। तो आप ताज्जुब करेंगे कि आज वहां पे शेड्यूल कास्ट और ओबीसीज के अंदर अरेंज मैरिजेस हो रही हैं, अरेंज मैरिजेस हो रही है, रोमानो कांशीराम साहब के आंदोलन ये वही दे रहे हैं साहब की। भाई ये सब एक परिवार के लोग हैं, ये सब सम्राट अशोक के वंशज हैं। सम्राट अशोक जो कि एक बड़े फलक पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे महान शासक के रूप में इसका रुतबा है, कहते हैं इनको ब्राह्मणवादियों ने अलग अलग हिस्सों में काट के एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। तो आज आपको देश के विभिन्न कोनों में ऐसे लोग मिलेंगे जो इन जातियों के बंधन को तोड़ के, वास्तव में जाति के बंधन ना हो के, जैसे हारे हुए लोगों को, हारे हुए पक्ष को अगर युद्ध बंदी बनाया जाता है, सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया जाता है, तो फिर उनको एक जगह इकट्ठा नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें अलग अलग बैरकों में, अलग अलग कोठियों में डाला जाता है। जैसे कैदियों को अलग अलग सेल्स में बंद किया जाता है, इसी तरीके से इन बहुजन समाज के योद्धाओं को अलग अलग जातियों में कैद कर दिया गया, और कहीं ये सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर संघर्ष ना कर दें, विद्रोह ना कर दें, इसलिए इनको आपस में बातचीत करने से, संबंध बनाने से इनका निषेध कर दिया गया। और किसी ने अगर इस प्रकार का प्रयास किया तो उसको खत्म किया गया, उसके ऊपर अत्याचार किया गया, हत्याएं की गई और दूसरे अत्याचार किए गए। माननीय कांशीराम साहब ने उस मनोस्थिति को समझते हुए इनके अंदर भाईचारा ना सिर्फ स्थापित किया बल्कि इनको सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का सपना दिखाया, और सपना दिखा के उस सपने को लागू भी कर दिया, उस सपने को पूरा भी कर दिया। खुद मान्यवर साहब कहते हैं कि भाई कोई उद्देश्य बड़ा नहीं होता, कोई उद्देश्य ऐसा अनअचीवेबल नहीं है, अगर हम उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं, अगर हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए उनका जो एक वाक्य है कि भाई हमारा अंतिम उद्देश्य भारत पे शासन करना है, वो वास्तव में फलीभूत होगा, इसकी संभावना बहुत शीघ्र नजर आ रही है।